विदिशा नाम की एक लड़की थी। अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। विदिशा का पति करण एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। करण बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उल्टे उसकी पत्नी विदिशा बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज़्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह करण टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय विदिशा चाय नाश्ता लेकर आती है और करण के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है, और थोड़ी ही देर में वह करण से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह सुबह बोर कर रहे हो। और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बंद कर देती है। करण को विदिशा का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह विदिशा से कहता है, क्या तुम साढ़े साती की महादशा के बारे में कुछ जानती हो, जो तुमने उसे बकवास समझ लिया। धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। विदिशा को करण की बातों से ग्लानी महसूस हुई और वह करण से माफ़ी मांगते हुए वही शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। करण विदिशा को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं यार, चलो आज शनि देव के मंदिर चलते हैं। वैसे विदिशा को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह करण का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक में मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के पास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे होते हैं। करण प्रसाद खरीद कर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए रहते हैं। करण उनके कटोरे में कुछ पैसे डालता है और विदिशा के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं, और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वही बाबा विदिशा को देखकर कहता है, बेटी अपना ध्यान रखना। विदिशा बाबा को प्रणाम करके करण के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने विदिशा को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़े साती शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। विदिशा के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। विदिशा करण से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। करण विदिशा के लिए चाय बनाकर ले आता है। करण को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी ही निकल जाता है। विदिशा घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को करण अपने ऑफिस से जब घर आता है, विदिशा तब तक सो रही होती है। करण काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहता है, लेकिन विदिशा गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। करण विदिशा को फ़ोन लगाता है। फ़ोन की घंटी सुनकर विदिशा अचानक नींद से जाग जाती है, और जैसे उसे पता चलता है कि करण दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है। करण विदिशा से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी विदिशा, इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने। विदिशा आंख मीचते हुए कहती है, नहीं पता लगा मुझे, इतनी ज़्यादा नींद लग गई थी कि आपकी आवाज़ भी मुझे नहीं सुनाई दी। करण अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है।
उसी समय करण के मोबाइल में एक मैसेज आता है। विदिशा की नज़र अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज देखते ही विदिशा के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। विदिशा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय करण बाथरूम से बाहर निकल आता है। विदिशा तुरंत उसका फ़ोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी कि अगर करण उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात ही नहीं करेगी और उसकी ज़िंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। 7:30 काल ने विदिशा को अपने गिरफ्त में ले लिया था। विदिशा का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगी थी, जिसके चलते उसके रिश्ते में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। करण विदिशा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विदिशा के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह करण की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। करण विदिशा को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चले जाएंगे। आज कुछ कपड़े खरीदते हैं विदिशा। लेकिन विदिशा गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। करण अकेले ही मंदिर चला जाता है। करण को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह करण को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। करण हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बाबा कहते हैं, बेटा तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? करण कई दिनों से विदिशा से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा विदिशा के 7:30 योग के बारे में पहले से ही परिचित थे, इसलिए वह करण को विदिशा के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ सकती है। करण भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही विदिशा से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा जी मिले थे विदिशा, उन्होंने बताया कि तुम्हारा 7:30 योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। विदिशा अचानक करण से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। करण पूछता है, कैसे? लेकिन विदिशा बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। करण विदिशा को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन विदिशा करण को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो करण, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। करण को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहां आएंगे। करण के पास तब तक वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो विदिशा उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह विदिशा से बहुत प्यार करता था, वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। करण मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहते हैं, बेटा मैं यहाँ सुबह आता हूँ,
लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। करण को ताज्जुब होता है कि वह दो बार बाबा को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही करण मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक करण के सामने से ओझल हो जाते हैं। करण को समझ आ जाता है, यह कोई साधारण बाबा नहीं है बल्कि तेजस्वी आत्मा है। करण अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। करण जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, विदिशा पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। विदिशा की इतनी अभद्र बातें सुनते ही करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि विदिशा उससे कभी इस लहजे में बात करेगी। करण शांत स्वभाव का था। वह विदिशा को शांत कराते हुए पूछता है, क्या हुआ विदिशा, आराम से बात करो। विदिशा तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। करण विदिशा से पूछता है, यह क्या है। विदिशा तुरंत कहती है, तुम बताओ यह क्या है और कौन है ये जिसने तुम्हें यह मैसेज भेजा है। करण विदिशा की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, यह मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया है। यह बात सुनते ही विदिशा का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। करण उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा कर रही थी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ विदिशा। विदिशा जोर जोर से रोने लगती हैं और करण के गले लग जाती हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से विदिशा को साढ़े साती योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों का न्योता मिल चुका था। शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था। और दोनों के जीवन के कष्टों की समाप्ति के साथ ही यह कहानी खत्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।